मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। कनाडा और चीन की जानिब से 2019 और 2021 के इंतखाबात में मुदाखलत के दावों पर उनकी हुकूमत जेरे बहस आने के बाद कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और खसूसी नुमाइंदे की तकर्रुर के मुतादिद तहकीकात का ऐलान कर दिया। टोरंटो में मौसम सरमा के तूफान के दौरान हफ्ते के आखिर में 16 घंटों से कम अरसे में शहर में 23 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश के साथ गरज चमक और बिजली भी गिरी। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में तावुन पर 2 कैनेडियन कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। नई पाबंदियों में मजमूई तौर पर 86 कंपनियों को निशाना बनाया गया। पाबंदी का शिकार कंपनियों का रूस और चीन से ताल्लुक बताया गया है। अमेरिका में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर एहतजाजी मुजाहिरीन का धावा, 35 गिरफ्तार। पुलिस और FBI ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस चीफ का कहना था कि हमला आवरों का सुराग लगाकर मजीद गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। मिसाइल तजबात रोकने की कोशिश शुमाली कोरिया ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। किम यू जोंग का कहना था कि मिसाइल तजुर्बात को रोकने की किसी भी अमरीकी कोशिश को ऐलान जंग समझा जाएगा। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Headlines aapne jani aur ab khabrein tafseel ke saath. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इंतखाबी मुदाखलत के हवाले से एक नामूर और आज़ाद शख्स को खसूसी नुमाइंदे का नाम देंगे, जिसके पास वसी मैंडेट होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडा में चीन की जानिब से 2019 और 2021 के इंतखाबात में मदाखलत के दावों पर उनकी हुकूमत जेरे बहस आने के बाद कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत और खसूसी नुमाइंदे की तकर्री की मुतादिद तहकीकात का ऐलान किया है। ट्रूडो ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आने वाले दिनों में वो इंतखाबी मदाखलत के हवाले से एक नामवर और आज़ाद शख्स को खसूसी नुमाइंदे का नाम देंगे, जिसके पास वसी मैंडेट होगा और मदाखलत का मुकाबला करने और हमारी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए माहिराना सिफारिशात पेश करेगा। ट्रूडो का यह ऐलान ऑटावा में गर्मा गर्म बहस के दौरान सामने आया कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। NDP लीडर जगमीत सिंह और कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर गैर मुल्की इंतखाबात में मदाखलत पर खुली इंक्वायरी के ख्याल पर जोर दे रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि खसूसी नुमाइंदा बाकायदा इंक्वायरी की सिफारिश कर सकता है और हम उनकी सिफारिश पर अमल करेंगे। ट्रूडो और कैनेडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने एतराफ़ किया है कि चीन ने गुज़िश्ता 2 वफाकी इंतखाबात में मदाखलत की कोशिश की। वो बरकरार रखते हैं कि इंतखाबात के मजमूई नताइज में कोई तब्दीली नहीं की गई। वजीर आजम ने यह भी कहा कि उन्होंने मुल्क की 2 इंटेलिजेंस रिव्यू बॉडीज, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस रिव्यू एजेंसी को इस मामले की तहकीकात का काम सौंपा है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे उनके मैंडेट के अंदर गैर मुल्की मदाखलत के मामले पर फौरी काम शुरू करने के बारे में बात की। पार्लियामेंटेरियंस की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस कमेटी के अराकीन पार्लियामेंट और सेनेटर्स को आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते हैं और सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुस्तकिल तौर पर राजदारी के पाबंद होते हैं, जिससे उन्हें एजेंसियों की आम तौर पर खुफिया सरगर्मियों तक रसाई की इजाज़त मिलती है।
ट्रूडो ने कहा कि NCICOP गैर मुल्की मदाखलत का एक नया जायजा शुरू करेगा जिसमें इंतखाबात पर तवज्जो दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस रिव्यू एजेंसी एक आज़ाद और बैरूनी जायजा लेने वाला इदारा है जो तमाम कौमी सलामती और इंटेलिजेंस सरगर्मियों का जायजा लेता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो कानूनी, माकूल और ज़रूरी हैं। ट्रूडो ने कहा कि NSIRA इस बात को देखेगा कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे काम करती हैं, कौन सी मालूमात लीक हो रही हैं या सही तरीके से नहीं चली और क्यों। ट्रांटो के हुकाम आखिरी लम्हात में ड्राइवरों से अपनी गाड़ियां मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि अमले को बर्फ के ढेरों को हटाने के लिए ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका जा सके। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ट्रांटो के हुकाम आखिरी लम्हात में ड्राइवरों से अपनी गाड़ियां मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि अमले को बर्फ के ढेरों को हटाने के लिए ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका जा सके। ट्रांटो में मौसम सरमा के तूफान के दौरान हफ्ते के आखिर में 16 घंटों से कम अरसे में शहर पर 30 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ी जिसकी वजह से बिजली की बंदिश के साथ साथ गरज चमक और बिजली भी गिरी। इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को बर्फ़ के मखसूस रास्तों पर पार्क करने से मना किया गया है ताकि अमले को बर्फ़ के ढेरों को हटाने की इजाज़त दी जा सके जो ट्रैफिक के बहाव को महदूद करने के साथ साथ पार्किंग और पैदल चलने वालों के बुनियादी ढांचे में मदाखलत कर रहे हों। हुकाम ने बताया कि बर्फ़ को जमा करके 4 डंपिंग इलाकों में से अब तक पहुंचाया जाएगा। टोरंटो सिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की जनरल मैनेजर बारबरा ग्रे ने बताया, जिन रहायशियों के पास बर्फ़ के मखसूस रास्तों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ियाँ जल्द अज जल्द मुंतकिल कर दें। बर्फ़ से मुतालिका मसाइल के लिए सर्विस की दरख्वास्तें शहर की वेबसाइट पर 3111 टोरंटो मोबाइल ऐप पर की जा सकती हैं। बर्फानी तूफान की एक बड़ी हालत के तहत टोरंटो के 150 इलाकों में से एक पर खड़ी गाड़ियों को बर्फ़ के रास्तों के तौर पर नामजद किया जा सकता है और ड्राइवरों को $2,000 तक जुर्माना हो सकता है। शहर ने बर्फ़ के तमाम रास्तों पर निशानात लगा दिए हैं लेकिन मुतासर सड़कों की मुकम्मल फहरिस्त उनकी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसमें ज़्यादातर शहर की सड़कों के साथ साथ स्ट्रीट कार के रास्ते भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों का शिकार होने वाली 86 कंपनियों में 2 कैनेडियन कंपनियां भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जब रियासतें हाय मुतहदा और यूक्रेन के दीगर इत्तेहादियों ने व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों की नई लहर का ऐलान करके रूस के यूक्रेन पर हमले का पहला काम मुकम्मल किया तो कैनेडा की 2 कंपनियाँ 86 नई कंपनियों में शामिल थी जिन्हें अमरीकी महकमा तजारत ने मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का निशाना बनाया। रूस के दिफाई सनती शोबे और जंगी कोशिशों की हिमायत में उनकी सरगर्मियों को पाबंदी का जवाब बताया गया है। कनाडा की बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने अब इंकशाफ किया है कि उन 2 कंपनियों की शनाख्त एक आलमी कोशिश के हिस्से के तौर पर की गई थी जिसमें अब अमरीकी हुकाम को कनाडा के मुआयने के निज़ाम में अमली तौर पर शामिल किया गया है। अब वो अमरीकी बरामदी पाबंदियों के ताबे हैं जब तक ये कंपनियाँ अमरीकी हुकाम से मखसूस लाइसेंस हासिल न कर लें। कुछ सामान तक उनकी रसाई को मौसर तरीके से काट देते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट की फहरिस्त में ये वाज़े नहीं किया गया कि उन कंपनियों ने क्या भेज दिया या भेजने की कोशिश की जिसने अमरीकी तवज्जो हासिल की, जिससे ये वाज़े नहीं हुआ कि वो इस कार्रवाई को मुतहरिक करने के लिए किस किस्म के कारोबार में मसरूफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आलमी सतह पर बढ़ती हुई जांच के तहत हैं। कुछ अज्जा जो अब कम सप्लाई में हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हो सकता है कि असल में दिफाई सनतों के लिए ना हो लेकिन अब फौजी इस्तेमाल के लिए उनका दोबारा मकसद बनाया जा सकता है। जबकि 24 फरवरी को अमरीका की नई पाबंदियों में शामिल करदा ज्यादातर इदारों का ताल्लुक रूस से है, 5 का ताल्लुक चीन से है और 3 यूरोपीय यूनियन में मुकीम है। साथ ही साथ 2 कैनेडियन फर्म है। अमरीका ने कहा कि नई फहरिस्त में शामिल इदारों में से कई चीन और रूस में कायम फर्मों की ज़ेली कंपनियां थीं। कॉमर्स डिपार्टमेंट की रिलीज में कहा गया है कि ये फहरिस्तें उन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई में नहीं थीं जिनमें इदारे वाकिया हैं या रजिस्टर्ड हैं या उन ममालिक की हुकूमतों, लेकिन माहरीन का कहना है इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर मॉन्ट्रियल कंपनियां ऐसी तजारत में मसरूफ हैं जो सिक्योरिटी के खदशात को जन्म देती हैं तो कैनेडा की हुकूमत ने पहले कदम नहीं उठाया। अमरीकी रियासत अटलांटा में दर्जनों अफराद ने पुलिस के तरबियती मरकज पर धावा बोल दिया। पुलिस ने 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत अटलांटा में दर्जनों अफराद ने पुलिस के तरबियती मरकज पर धावा बोल दिया। पुलिस ने 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि हमला आवरों का सुराख लगाकर मजीद गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। जबकि पुलिस और FBI दोनों ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरीन ने तरबियती मरकज पर पथराव किया, पटाखे फोड़े, ईंटे और बोतल बम भी फेंके। पुलिस ने दर्जनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इतवार के रोज शाम 5:30 बजे पुलिस तरबियती मरकज
مرکز کے قریب ایک تقریب میں شرکت کے بعد لوگوں کے جتھے نے حملہ کیا۔ اٹلانٹا پولیس چیف ڈیرن شیئرہام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج نہیں مجرمانہ سرگرمی تھی۔ پولیس افسران نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں تک آنے کی کوئی کاروائی نہیں کی۔ بعد ازاں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ حملہ آوروں کا سراغ لگا کر مزید گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ پولیس اور ایف بی آئی دونوں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اٹلانٹا پبلک سیفٹی ٹریننگ سینٹر کی منظوری 2021 میں دی گئی تھی۔ شہری حکومت کی طرف سے منظور کردہ اس مرکز کی تعمیر کے لیے 400 ایکڑ زمین مختص کی تھی جس میں 85 ایکڑ پر کام جاری ہے۔ سول سوسائٹی اراکین اس تربیتی مرکز کی تعمیر کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگل کی زمین پر تعمیرات نہ کی جائیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میزائل کو روکنے اور مار گرانے کی کسی بھی اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میزائل کو روکنے اور مار گرانے کے کسی بھی اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی بہن کم یو جونگ نے کہا کہ شمالی کوریا میزائل تجربات کو روکنے کی کسی بھی امریکی کوشش کو اعلان جنگ کے طور پر لے گا۔ پیانگ یانگ اپنے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے تجربات کے خلاف کسی بھی امریکی فوجی کاروائی کو اعلان جنگ کے طور پر دیکھے گا، اور یہ کہ بحر الکاہل امریکہ یا جاپان کے زیر تسلط نہیں ہے۔ کم یو جونگ نے ایک بیان میں جنوبی کوریا کی ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا تو امریکہ کی جانب سے پیانگ یانگ کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کبھی بھی شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کی کوشش نہیں کی۔ عام طور پر ایسے اقدام پڑوسی ممالک کو خبردار یا انہیں نظر انداز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن جب سے پیانگ یانگ کی جانب سے جاپان پر مزید میزائل فائر کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس پر نئے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجیں بھی اس ماہ کے آخر میں اپنی سب سے بڑی مشقوں کو بحال کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شمالی کوریا کی سرحد کے نزدیک ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں میں جدید جنگی بمبار طیاروں نے حصہ لیا تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی یہ مشق شمالی کوریا کی جانب سے جاپان کے مغربی ساحل کے قریب سمندر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی بیلسٹک کے تجربے کے ایک دن بعد ہوئی۔ ہواسونگ 15 میزائل کم یو جونگ نے امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا مشقوں کے خلاف زبردست کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنوبی کوریا میں 1950 سے 1953 کی جنگ کے بعد سے تقریباً 28,500 امریکی فوجی تعینات ہیں، وہ جنگ بندی جو کسی امن معاہدے پر ختم نہیں ہوئی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان ادیبہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔